क्रिप्टो करेंसी वास्तव में है क्या चीज, मैं आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूँ, बिल्कुल आम भाषा में, जैसे हम तुम बातचीत करते हैं वैसे आपको समझाने वाला हूँ। और भाई ये कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं बनाने वाला, बिल्कुल आम भाषा, मैं भी आप लोगों में से आम हूँ, ठीक है। तो लेकिन मैंने नॉलेज गेन किया, पता किया क्या है, उसके बाद आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ। क्रिप्टो करेंसी वास्तव में एक ऐसी करेंसी है जिसपे सरकार का अधिकार नहीं होता है। तो इतना घुमा फिरा के नहीं, मैं सीधा बता रहा हूँ आपको कि वास्तव में क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। तो क्रिप्टो करेंसी समझने से पहले आपको बताता हूँ मनी और करेंसी में क्या अंतर होता है। करेंसी वो होती है जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जैसे सरकार द्वारा हमारे इंडिया के लिए एक रुपया चलता है, और अदर कंट्री के लिए जैसे डॉलर है, पाउंड है, यूरो, ये ऐसी चीज़ें अलग अलग कंट्री में चलती है जो कि उन देश की सरकारें उनको कंट्रोल करती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी हम लोगों में से एक ऐसी करेंसी बनाई गई है जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इस पर सरकार कोई ना तो टैक्स लगा सकता है और ना इसको बंद कर सकती है। अब मान लीजिएगा कि कुछ समय पहले हमारे इंडिया में हजारों 500 के नोट बंद हो गए थे, उनका कोई मोल नहीं रहा था जब इसके बाद बैन हो गए थे। अब मैं आपको बता रहा हूँ मनी क्या है। मनी उसे कह सकते हैं जो नेचुरल रिसोर्स है, यानी हमारे देश या अदर देश में वो चीज चल सके, उसको कह सकते हैं हम गोल्ड है, डायमंड है, सिल्वर है, चांदी है। अब सोना इंडिया में बेचो चाहे अदर कंट्री में बेचो, वो हर जगह बेचेगा, उसका हर जगह सेल होगा, यानी वो सिक्योर है। आज से कुछ साल पहले भी वो चलता था, आज से कुछ साल पहले बाद भी वो चलेगा, लेकिन वो कभी बंद नहीं होगा, यानी ये नेचुरल रिसोर्स है। क्रिप्टो करेंसी में सबसे पॉपुलर है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन की खोज एक ऐसे बंदे ने की है जिसके नाम के अलावा कुछ पता नहीं, जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो। ये बंदा कौन है, कहाँ का है, कैसा है, जिंदा है, मर गया, कुछ पता नहीं। इसने सन 2010 में एक पेपर पब्लिश किया था, उसमें जिक्र किया था एक ऐसी करेंसी की जो एक जगह से दूसरी जगह भेज सको, वो भी विदाउट टैक्स, यानी उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मान लीजिएगा आप 20 लाख रुपए एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, वो भी बैंक के थ्रू। बैंक नोटिस भेज देता है जब आप 10 लाख से ऊपर भेजते हो पैसे इनकम टैक्स को, तो इनकम टैक्स आ जाएगी, इनकम टैक्स लेगा 30%, यानी जिस व्यक्ति के पास आप भेजोगे उस पर से 20% और आप पे 10% इनकम टैक्स ले जाएगी। और इसी टैक्स को बचाने के लिए कुछ साल पहले चलता था हमारे इंडिया में हवाला बाजार या हुंडी बाजार, इंडिया का ओल्ड बैंक भी कह सकते हो, जो पैसे पहुंचाने का काम करता था। यानी कुछ साल पहले इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह विदाउट टैक्स पहुंचाने का काम करता था। हवाला बाजार के कई सौ एजेंट जो भारत के कोने कोने पर फैले हुए थे। अब मान लीजिएगा मैं किसी दूसरे के पास पैसे भेजता हूँ, तो हमें इंडिया के किसी एक एजेंट के पास पहुंचना पड़ेगा, उसको अपने पैसे देने पड़ेंगे, और एजेंट अपने दूसरे एजेंट को कॉन्टेक्ट करेगा, वो दूसरा एजेंट उस जगह पर पैसे पहुंचा देगा और उसके कुछ चार्ज ले लेता था। इसमें एक लॉस पॉइंट था कि कई बार एजेंट पैसे लेके भाग जाते थे और इसमें उस इंसान का व्यक्ति का लॉस हो जाता। इसी टैक्स को बचाने के लिए ही बनाया गया था बिटकॉइन। बिटकॉइन आप सोच रहे हो अरे ये तो नया है, भाई नया नहीं है ये, इसका नाम नया हो इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, पर इसका तरीका बहुत पुराना है, जैसे हवाला बाजार काम करता था, एक जगह से दूसरी जगह पैसे पहुंचाने का काम, और वो भी विदाउट टैक्स। हाँ आज आप कितने भी पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो किसी भी बिटकॉइन अकाउंट में, उसमें कोई भी सरकार ये नहीं पता लगा सकती है कि आपने कितना पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजा है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन बनते ही कैसे है, बिटकॉइन की एक्चुअली में माइनिंग होती है भाई, वो वाली माइनिंग नहीं जैसे कोल वगैरह पेट्रोलियम निकलता, वो वाली माइनिंग नहीं है। ये बिटकॉइन को माइन करना पड़ता है, बहुत से कंप्यूटर के सर्वर होते हैं, बहुत हैवी कंप्यूटर लगते हुए, और उन पर गणित के कैलकुलेशन होते हैं, तब जाके एक बिटकॉइन माइन होती है। माइनर्स बहुत से कैलकुलेशन करते हैं, उन पर नजर रखते हैं। मान लीजिए मैं 5 बिटकॉइन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास भेजता हूँ, तो मेरे अकाउंट में 5 बिटकॉइन होने भी चाहिए। माइनर इस चीज का ध्यान रखता है और देखता है कि इस व्यक्ति के अकाउंट में 5 बिटकॉइन है और ये व्यक्ति इस व्यक्ति के पास भेज रहा है। यानी एक्चुअली में जो बिटकॉइन भेजने का प्रोसेस होता है वो जिसे हम आप UPI करते हैं वैसे होता है, लेकिन इसमें प्रोसेस लग जाता है 10 से 15 मिनट। हाँ जो माइनर्स होते हैं वो देखते हैं कि इस व्यक्ति के पास यहाँ इतने बिटकॉइन है और ये व्यक्ति इस नंबर पर बिटकॉइन भेज रहा है, इस अकाउंट में बिटकॉइन भेज रहा है, और कुछ भी डिटेल नहीं होता है, इसका नाम क्या, पता क्या, कुछ भी नहीं पता होता है। तो एंड में आपको ये बोलूँगा कि भाई ये मेरा फर्स्ट बेस कैम्प वीडियो है और मैंने कोशिश किया है, मेरे को जैसे बनाना आया है
वैसा बनाया, तो कोशिश करूंगा दिन पे दिन इस अपने कंटेंट को सुधारने के। तो थैंक